किसी भी परमाणु के स्थायित्व या अस्थायित्व की बात करते हैं तो निश्चित रूप से यहाँ पर बंधन या बॉन्डिंग की बात आती है क्योंकि कोई भी परमाणु किसी दूसरे परमाणु से जब इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा या इलेक्ट्रॉन को दान करता है या ग्रहण करता है हर स्थिति में वह प्रयास करता है कि उसका अष्टक जो है वो पूरा हो जाए और इसी क्रम में हम रासायनिक आबंधन की बात को जानेंगे तो जो हमारा यह अध्याय है इस अध्याय का नाम है रासायनिक आबंधन, केमिकल हम सब ये जानते हैं कि किसी भी परमाणु में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वह निश्चित होती है और इन इलेक्ट्रॉनों का जो वितरण है जैसा हमने परमाणु संरचना में देखा कि इलेक्ट्रॉनों का वितरण जो है वो अलग अलग कोशों में अलग अलग प्रकार से होता है यदि हम परमाणु हाइड्रोजन की बात करें यदि हम कार्बन की बात करें तो हर स्थिति में हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनों का वितरण है या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो अलग अलग परमाणु का अलग अलग कक्षों में अलग अलग प्रकार से होता है और इसी आधार पर हम ये भी समझते हैं कि किसी भी परमाणु का उदासीन होना उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या एवं प्रोटोनों की संख्या का बराबर होना होता है यदि हम बात करते हैं कार्बन तो कार्बन के लिए प्रोटॉन की संख्या भी छः है और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी छः होती है इसी तरह सोडियम उसमें भी इलेक्ट्रॉन की संख्या भी ग्यारह और प्रोटॉन की संख्या भी ग्यारह होती है तो प्रत्येक परमाणु में हम देखते हैं कि जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतनी ही संख्या में या प्रोटॉन पर जो आवेश होगा वो इलेक्ट्रॉन के विपरीत होता है इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश है और प्रोटॉन पर धनावेश होता है तो इनकी संख्या जो है वो बराबर होती है और इसी वजह से हर परमाणु उदासीन होता है लेकिन जब हम यहाँ पर बात करते हैं किसी तत्व की तो कोई तत्व होता है जो बहुत अधिक क्रियाशील होता है और कुछ तत्व होते हैं जो अक्रिय भी होते हैं तो इसे समझने के लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर पुनः ध्यान देना होगा कि कैसे कोई तत्व अक्रिय होता है और कैसे कोई तत्व क्रियाशील होता है जब हम किसी परमाणु में बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को देखते हैं तो इन इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर ही उनका जो रासायनिक गुण है वह निश्चित होता है जैसे हम बात करते हैं सोडियम की तो सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है दो आठ एक है इसके बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक है तो यह जो इलेक्ट्रॉन है यह कहलाता है संयोजी इलेक्ट्रॉन इसी तरह से प्रत्येक परमाणु के बाह्यतम कोश में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें हम संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं और इन्हीं संयोजी इलेक्ट्रॉनों के आधार पर उस तत्व का जो रासायनिक गुण है वह निश्चित होता है कि वह तत्व कितना क्रियाशील होगा या अक्रिय होगा यह निश्चित होता है जैसे हम अक्री गैस की बात करते हैं या आवर्त सारणी में 18वें समूह की बात करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि हीलियम को छोड़कर जितने भी तत्व हैं सभी के बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या आठ होती है और हीलियम के बाह्यतम कोष में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये सारे जो तत्व हैं ये अक्रिय गैस कहे जाते हैं वर्तमान समय में इन्हें उत्कृष्ट गैस भी कहा जाता है क्योंकि अक्री गैस जब हम बात करते हैं तो अक्री गैस का अर्थ होता है कि वह किसी से क्रिया नहीं करता है लेकिन आज के समय में क्रिप्टॉन के बहुत सारे यौगिक प्रकृति में देखने को मिलते हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि इस परिवार के सभी सदस्य जो है वो अक्रिय हैं लेकिन जब हम इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करते हैं तो इनके इलेक्ट्रॉन्स जो बाह्यतम कोश में है वे सभी आठ हैं तो निश्चित रूप से इनमें जो अक्रियता है या जो यह तत्व जो है वो निष्क्रिय क्यों है अक्री क्यों है वह इसी पर डिपेंड करता है कि इसके बाहतम कोष में अष्टक पूर्ण होता है और इन्हें हम उत्कृष्ट गैस भी इसलिए कहते हैं क्योंकि कुछ तत्व ऐसे हैं जेनॉन है, है क्रिप्टॉन है जिनके यौगिक प्रकृति में उपलब्ध है तो ये पूर्ण रूप से अक्रिय नहीं भी है केवल इनके अष्टक पूर्ण है इसलिए हम इसे अक्रिय गैस भी कहते हैं जब हम बंधन की बात करते हैं किस तरह से बॉन्ड बनता है बॉन्ड क्यों बनता है हर परमाणु चाहता है कि वह स्थायी हो जाए जरूरी नहीं है कि हर तत्व के बाह्यतम कोष में आठ इलेक्ट्रॉन हो जैसा हमने देखा कि केवल अक्रिय गैस का जो परिवार है वही परिवार ऐसा है जिसके बाह्यतम कोष में आठ इलेक्ट्रॉन होता है शेष जितने भी हम एलिमेंट देखते हैं जितने भी तत्व हैं इस आवर्त सारणी में उसमें सभी के बाह्यतम कोष में आठ इलेक्ट्रॉन नहीं है केवल अक्रिय गैस के बाह्यतम कोष में आठ इलेक्ट्रॉन होते हैं तो हर परमाणु जो स्थायित्व चाहता है वह यह प्रयास करता है कि उसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या आठ हो जाए अब इस इलेक्ट्रॉन की संख्या को आठ करने के लिए वह या तो इलेक्ट्रॉन त्याग देता है या फिर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है या फिर इलेक्ट्रॉन का साझा करता है हर स्थिति में वो चाहता है कि उसका अष्टक पूरा हो जाए जब हम बंद की बात करते हैं तो बंद विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं जैसा हमने देखा कि अष्टक पूरा करने के लिए कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है ग्रहण कर सकता है या साझा कर सकता है तो इन्हीं बातों पर निर्भर करता है कि बंद कैसे कैसे होंगे सबसे पहला प्रकार हम बंद का देखेंगे आयनिक बंद आयनिक बॉन्ड यह आयन कैसे बनता है क्योंकि नाम से स्पष्ट है आयनिक बंध तो आयनिक बंद बनने के लिए हम ये देखेंगे कि आयन कैसे बनते हैं तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण जो हम दैनिक जीवन में अपना प्रयोग करते हैं सोडियम क्लोराइड नमक का जो रासायनिक सूत्र है सोडियम क्लोराइड तो इसी पर हम बात करते हैं सबसे पहले हम सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे और क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है दो आठ एक चूँकि इसमें परमाणु क्रमांक ग्यारह है क्लोरीन का परमाणु क्रमांक सत्रह है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दो आठ और सात है तो यहां पर हम देख रहे हैं कि जो दोनों परमाणु है इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में बाह्यतम कोष में एक इलेक्ट्रॉन है जबकि क्लोरीन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखते हैं तो बाह्यतम कोश में सात इलेक्ट्रॉन है तो अब किस तरह से ये अष्टक पूरा करते हैं तो यहां पर हम देखते हैं कि चूंकि सोडियम में ये दो इलेक्ट्रॉन आठ और एक है और क्लोरीन में दो आठ और सात है तो निश्चित रूप से सोडियम को कोई भी परमाणु जो है वो सात इलेक्ट्रॉन देगा नहीं और इसी तरह से क्लोरीन के लिए भी यह कठिन होगा कि वह अपने सात इलेक्ट्रॉन को निकाल दे क्योंकि आठ की स्थिति कैसे बनेगी हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि दो आठ एक है सोडियम का परमाणु क्रमांक तो यदि वह एक इलेक्ट्रॉन त्याग दे या फिर उसको कोई भी दूसरा परमाणु सात इलेक्ट्रॉन दे दे दूसरी स्थिति क्लोरीन के लिए है कि या तो वह एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले या फिर वो अपने सातों इलेक्ट्रॉन को त्याग दे दे तो जब बात आती है त्याग देने की तो निश्चित रूप से जहां पर कम इलेक्ट्रॉन होगा वह परमाणु प्रयास करेगा कि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को त्याग दे और जिस परमाणु के बाह्यतम कोश में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है वह अष्टक के ज़्यादा करीब वाली संख्या है तो वह प्रयास करेगा कि दूसरा परमाणु उसे इलेक्ट्रॉन दे दे ताकि वह अपना अष्टक पूरा कर ले अब इन्हीं स्थितियों को हम अप्लाई करते हैं सोडियम और क्लोरीन में तो सोडियम जो है वो अपने बाह्यतम कोश यानी कि के एल एम यानी एम कोश से वह अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है और क्लोरीन जो है उसके दो आठ सात यानी के एल एम कोश में जो सात इलेक्ट्रॉन है वहाँ पर वो इलेक्ट्रॉन को दे देता है यानि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है तो सोडियम जब एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो सोडियम परमाणु को दाता परमाणु कहते हैं और क्लोरीन जब एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो उसे ग्राही परमाणु कहा जाता है सोडियम जब एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो उसके ऊपर धनावेश आता है यानी सोडियम आयन एन प्लस बनता है दूसरी ओर जो क्लोरीन है जब वो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है तो उसके ऊपर एक माइनस चार्ज आ जाता है एक ऋणावेश उत्पन्न होता है उसके ऊपर तो सी माइनस तो इसे हम कहते हैं क्लोराइड आयन अब हम देखते हैं कि जो सोडियम आयन और क्लोराइड आयन है इन दोनों के मध्य अलग अलग आवेश है यहाँ पर हम देखते हैं कि सोडियम प्लस यानी सोडियम पर धनायन है और क्लोरीन पर ऋण आयन है यानी क्लोराइड आयन बन गया दोनों पर हम देखते हैं कि विपरीत आवेश है और इस वजह से इनके मध्य एक प्रबल विद्युत सयोजी बंध या विद्युत सयोजी आकर्षण बल कार्य करता है तो सोडियम धनायन और क्लोराइड का ऋणायन आयन इनके मध्य एक प्रबल विद्युत संयोजी आकर्षण बल के कारण ये आपस में बंधे रहते हैं तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो सोडियम है जब वह एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो वह दो आठ का विन्यास प्राप्त कर लेता है जो कि नियोन का है, है अक्री गैस इसी तरह से जो क्लोरीन है जब वह एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो वह आर्गन जो अक्री गैस है दो आठ आठ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेता है तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो सोडियम है और क्लोराइड है इनके मध्य एक प्रबल वैद्युत आकर्षण बल कार्य करता है जिसकी वजह से यहाँ बंद बनता है तो सोडियम क्लोराइड जो है वो बन जाता है लेकिन सोडियम क्लोराइड जो है वो एक अणु नहीं होता है क्योंकि सोडियम क्लोराइड जो है वो एक बहुत सारे आवेश यानी हम कहें कि विपरीत आवेशों का एक समुच्चय या सेट होता है क्योंकि सोडियम क्लोराइड की संरचना को जब हम देखते हैं तो वह क्रिस्टली संरचना होती है जिसमें हम देखते हैं कि प्रत्येक जो सोडियम आयन है वह क्लोराइड आयनों से घिरा है इसी तरह से जो क्लोराइड आयन है वह सोडियम आयनों से घिरा होता है तो ये सोडियम क्लोराइड एक अणु नहीं है बल्कि बहुत सारे विपरीत आवेशित आयनों का एक समुच्चय या सेट होता है तो सोडियम क्लोराइड के बनते समय हम देखते हैं कि जो क्लोरीन है वह एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण क्यों कर रहा है क्योंकि क्लोरीन के बाह्यतम कोष में सात इलेक्ट्रॉन है यदि वह सात इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो सी एल प्लस बनेगा इसी तरह से जो सोडियम है वह यदि एक इलेक्ट्रॉन उसके बाह्यतम कोष में है और वह यदि सात इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो सोडियम के ऊपर सात माइनस चार्ज होगा तो ये दोनों ही स्थिति जो है वो संभव नहीं होती है क्योंकि सी एल पर सेवन प्लस बनना और सोडियम पर सेवन माइनस बनना ये दोनों स्थितियाँ कठिन होती हैं इसी वजह से क्लोरीन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है और सोडियम जो है वो अपने बाह्यतम कोष से एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो इस तरह से एक सामान्य सी आ, स्थिति बनती है Na plus और Cl- माइनस सोडियम आयन पर जब हम प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की संख्या गिनेंगे तो सोडियम आयन पर प्रोटॉनों की संख्या होगी 11। लेकिन चूँकि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन सी एल की तरफ चला गया तो इस पर अब इलेक्ट्रॉन की संख्या 11 में से एक घटा देंगे तो इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी 10। दूसरी ओर हम देखते हैं सी एल तो सी एल में प्रोटॉनों की संख्या तो 17 है लेकिन जब वह एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है तो सत्रह में एक प्लस कर देंगे अब उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी अट्ठारह तो यहाँ पर हमने बहुत ही विस्तृत रूप से ये जाना कि सोडियम पर कैसे प्लस बनता है और सोडियम आयन में इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वो घटकर 10 दस हो जाती है जबकि प्रोटॉन की संख्या 11 ही है दूसरी ओर जो Cl है सी एल माइनस बनने के बाद उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी 18 लेकिन प्रोटॉन की संख्या होगी 17। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सोडियम और क्लोराइड जो बना है एक आयनिक बंध बनाते हैं क्योंकि दोनों आवेशित हैं एक धनायन है और एक ऋणायन है इनके बीच विपरीत आवेश होने के कारण एक आकर्षण बल कार्य करता है और यहाँ पर एक आयनिक बंध का निर्माण होता है तो आयनिक बंध को आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड या विद्युत संयोजी बंध के नाम से भी जाना जाता है इसी तरह से हम आयनिक बंध को और दूसरे अणुओं में भी समझने का प्रयास करेंगे लेकिन उससे पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि बाह्यतम कोष में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है इन्हें दर्शाने के लिए गिल्बर्ट न्यूटन लुइस एक वैज्ञानिक है उन्होंने एक लुइस संरचना दिया उसको हम किस तरह से व्यक्त कर सकते हैं या लुइस प्रतीक भी कहा उन्हें तो इसको हम कैसे व्यक्त कर सकते इसे हम सीखेंगे तो गिलबर्ट न्यूटन लुइस ने बाह्यतम कोश यानी कि संयोजी इलेक्ट्रॉनों को दर्शाने के लिए लुइस प्रतीक बताया लुइस सिंगबॉल बताया जैसे यहाँ पर इन्होंने अलग अलग तत्वों में बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को दर्शाने के लिए डॉट या बिंदु संरचना को बताया इसे हम क्रॉस से भी दर्शा सकते हैं और डॉट से भी दर्शा सकते हैं जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कार्बन तो कार्बन का परमाणु क्रमांक जो है वो छः होता है विभाजित करते हैं इलेक्ट्रॉनों को तो दो और चार है तो बाह्यतम कोश यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई चार यानी संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो चार है तो जब हम कार्बन में लुइस प्रतीक बनाते हैं तो कार्बन के चारों तरफ हम एक एक डॉट लगा देते हैं यानी चार डॉट लगाते हैं Cl इसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या सा, सात होती है इसका परमाणु क्रमांक सत्रह है तो दो आठ सात संयोजी इलेक्ट्रॉन सात है तो इसमें भी हम लुइस प्रतीक जब दर्शाएंगे तो एक दो तीन चार पाँच छः और ये सात तो इस तरह से सात डॉट बनाकर हम लुइस प्रतीक को दर्शाते हैं सोडियम का जो परमाणु क्रमांक है वो है ग्यारह दो आठ एक तो इसके बाहतम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या एक है तो सोडियम पर एक डॉट लगा दिए तो सोडियम लुइस स्ट्रक्चर हो गया इसी तरह से मैग्नीशियम इसमें परमाणु क्रमांक है बारह दो आठ दो तो इसमें भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बाहितम कोष में दो है यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन जो है वो दो है तो दो डॉट लगा देते हैं तो मैग्नीशियम पर दो डॉट लगा दिए तो ये इसका लुइस प्रतीक हो गया तो अब जब हम आयनिक बंध को पढ़ेंगे तो इसे लुइस स्ट्रक्चर के द्वारा लुइस प्रतीक के द्वारा भी हम किसी यौगिक के लिए आयनिक बंध को समझ सकते हैं अब हम लुइस प्रतीक के आधार पर ही मैग्नीशियम क्लोराइड को समझेंगे कि मैग्नीशियम क्लोराइड कैसे बनता है तो मैग्नीशियम क्लोराइड का जो सूत्र है वो एम होता है मैग्नीशियम को लुइस प्रतीक के आधार पर लिखेंगे तो मैग्नीशियम के बाहतम कोश में दो इलेक्ट्रॉन है तो दो डॉट बना दिए वहीं दूसरी ओर हम दो सी बनाएंगे और एक सीएल के बाहतम कोश में देखते हैं बाह्यतम कोश में सात इलेक्ट्रॉन और दूसरे सीएल के भी बाहतम कोश में सात इलेक्ट्रॉन है जिसे हमने क्रॉस से दर्शाया है चूंकि दो अलग अलग परमाणु है तो दोनों में भिन्नता रहे दोनों के डॉट्स जो है वो थोड़ा अलग चिन्ह से दर्शाया जाएगा जिससे ये पता चलेगा कि मैग्नीशियम में हमने डॉट लगाया और क्लोरीन में हमने क्रॉस लगाया है तो इस तरह से ये भिन्नता या डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा कि कैसे इसके इलेक्ट्रॉन जो है वो डॉट से दर्शाए जा रहे हैं इसके इलेक्ट्रॉन जो है वो क्रॉस से दर्शाए जा रहे हैं तो सीएल के बाहितम कोश में सात इलेक्ट्रॉन है तो एक दो तीन चार पांच छह सात हो गया दूसरे सीएल में भी बाहेतम कोश में सात इलेक्ट्रॉन है अब यहां पर हम देखते हैं कि मैग्नीशियम के बाहतम कोश में दो इलेक्ट्रॉन है तो मैग्नीशियम क्या करेगा इसमें छ इलेक्ट्रॉन कोई इसको देगा नहीं क्योंकि छ इलेक्ट्रॉन देना यानी बहुत कठिन कार्य है दूसरे परमाणु के लिए तो अब यह अपने बाह्यतम कोश से दो इलेक्ट्रॉन इन दोनों क्लोरीन को प्रदान करेगा तो जब ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को और दूसरा इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को देता है तो इस तरह से चूंकि इसमें से तो दो इलेक्ट्रॉन निकला तो मैग्नीशियम पर टू प्लस होगा और दोनों सी जो है वो एक एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए तो दोनों सी पर एक एक माइनस चार्ज होगा यानी मै सी पर ऋणावेश होगा एक Cl पर एक ऋण आवेश दूसरे Cl पर एक ऋण आवेश और इधर मैग्नीशियम चूंकि दो इलेक्ट्रॉन निकालता है तो मैग्नीशियम पर दो धनावेश होता है तो इस तरह यहाँ भी हम देखते हैं कि मैग्नीशियम पर मैग्नीशियम आयन बना यानी एम जी बना और Cl के ऊपर एक एक माइनस बना यानी कि क्लोराइड आयन दो बन गए तो मैग्नीशियम क्लोराइड का बनना यहाँ पर MgCl2 बना तो यहाँ पर भी दो विपरीत आवेशित आयन है यानी मैग्नीशियम धनायन और क्लोराइड ऋणायन तो इन विपरीत आवेशित आयनों के मध्य एक प्रबल विद्युत आकर्षण बल कार्य करता है और यहाँ पर भी विद्युत आकर्षण बल की वजह से एक बंध बन जाता है जिसे हम कहते हैं आयनिक बंध एक धनायन है और एक ऋणायन है इनके बीच एक आकर्षण बल कार्य करेगा और यहाँ पर मैग्नीशियम क्लोराइड एम का निर्माण होता है यह भी एक आयनिक यौगिक होता है इसी तरह से एक और यौगिक के बारे में हम जानेंगे कैल्शियम ऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड यह भी एक आयनिक यौगिक है इसे हम लुइस प्रतीक के माध्यम से ही कैसे ये आयनिक बंद बनाते हैं इसे समझने का प्रयास करेंगे कैल्शियम का जो परमाणु क्रमांक है बीस होता है और ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक आठ है तो कैल्शियम का 20 परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉनों की संख्या का जो वितरण है दो आठ आठ दो दूसरी ओर हम देखते हैं ऑक्सीजन इसमें बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन छः है क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक आठ है तो दो और छः तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कैल्शियम के बाह्यतम कोश में दो इलेक्ट्रॉन हैं और ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में छः इलेक्ट्रॉन हैं तो ऑक्सीजन प्रयास करेगा कि उसको कहीं से भी दो इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो जाए और कैल्शियम यह प्रयास करेगा कि अपना दो इलेक्ट्रॉन त्याग दे और अष्टक पूरा कर ले तो इसी क्रम में यह कैल्शियम जो है वो अपने दो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देता है और ऑक्सीजन पर दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद ऑक्सीजन पर दो माइनस चार दो ऋणावेश आता है एक ऑक्साइड आयन बन जाता है क्योंकि ऑक्सीजन जैसे ही दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो ओ टू माइनस में ये चेंज हो जाता है और ये ऑक्साइड आयन बनाता है अब इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बाह्यतम कोश में आठ हो जाती है यानी अगर हम इसे तुलना करें अक्री गैस की संरचना से तो जब ऑक्सीजन ऑक्साइड आयन में परिवर्तित होता है यानी वह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दो आठ की प्राप्ति कर लेता है यानी अब ये नियॉन का एक विन्यास बन गया तो नियॉन जो है वो एक आ, अक्री गैस है जब हम कैल्शियम की बात करेंगे तो कैल्शियम अपने दो इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो अब इसके पास सी ए टू प्लस में जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वह होगा दो आठ आठ यानी यह या, आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया आर्गन का परमाणु क्रमांक 18 होता है जिसे हम दो आठ आठ से व्यक्त करते हैं तो दोनों स्थिति में हम देख रहे हैं कि कैल्शियम भी अक्रिय गैस की स्थिति प्राप्त कर लिया और ऑक्सीजन भी अक्रिय गैस की स्थिति प्राप्त कर लिया ऑक्साइड आयन के रूप में और कैल्शियम कैल्शियम आयन के रूप में तो यहाँ पर इनके मध्य भी एक विपरीत जो वैद्युत आकर्षण बल है वह कार्य करने लगता है तो यहाँ भी यह वैद्युत संयोजी बंद बन बनता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनता है या इसे हम आयनिक बंद भी कहते हैं तो यह आयनिक बंद जो है वो कैल्शियम टू प्लस और ऑक्सीजन के ऊपर टू माइनस इनके मध्य बना है तो इस तरह से कैल्शियम ऑक्साइड बनता है जिसका सूत्र होगा सी ए ओ तो इसमें हम देख रहे हैं कि सी ए पर टू प्लस है और ऑक्सीजन पर टू माइनस है तो दोनों समान आवेश है लेकिन विपरीत है तो इसका जो रासायनिक सूत्र होगा सी ए ओ के रूप में हम इसे दर्शाते हैं अब हम एक अन्य आयनिक यौगिक के बारे में जानेंगे लुइस प्रतीक के माध्यम से इसे समझेंगे एल्यूमिनियम क्लोराइड एल्यूमिनियम जो है वो बाह्यतम कोष में तीन इलेक्ट्रॉन रखता है इसका परमाणु क्रमांक तेरह है दो आठ और तीन जबकि क्लोरीन के परमाणु क्रमांक सत्रह है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दो आठ सात तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि चूँकि एल्यूमिनियम जो है वो तीन इलेक्ट्रॉन बाहतम कोश में इसमें शो हो रहा है जब हम लुइस प्रतीक के माध्यम से समझेंगे तो एल्यूमिनियम पर तीन क्रॉस लगा दिए और सी एल जो है चूँकि यहाँ पर हर सी एल के बाहतम कोश में एक एक इलेक्ट्रॉन है तो एल्यूमिनियम क्लोराइड का जो सूत्र है वो ए एल सी एल थ्री होता है यानी सी एल यहाँ पर तीन बना दिए तीनों सी में हम देख रहे हैं कि बाह्यतम कोश में एक एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है क्योंकि सी के बाह्यतम कोश में सात डॉट बने हुए हैं सात डॉट इसके सयोजी इलेक्ट्रॉन्स को शो करते हैं इसे हम लुइस प्रतीक के माध्यम से दर्शा रहे हैं अब इस एल्युमिनियम से एक एक करके इलेक्ट्रॉन जो है वो तीनों तीनों क्लोरीन की तरफ चले जाते हैं अब जब इस एल्यूमिनियम से एक एक करके इलेक्ट्रॉन सी की तरफ जाते हैं तो प्रत्येक सी पर माइनस चार्ज आता है सी एल माइनस दूसरे पर भी सी एल माइनस यहाँ पर भी सी एल माइनस एल्यूमिनियम चूंकि तीन इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो एल्युमिनियम पर तीन प्लस चार्ज है और सी एल चूँकि तीन है तो तीनों सी एल पर एक एक माइनस चार्ज आता है तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि दो विपरीत आवेश है और इन आवेशों के मध्य एक प्रबल वैद्युत आकर्षण बल कार्य करेगा और यहाँ पर विपरीत आयन्स बने इनके मध्य एक आकर्षण बल है इस वजह से यह आयनिक बंद का निर्माण करते हैं तो एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 भी एक आयनिक यौगिक होता है क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं एल्यूमिनियम आयन और क्लोराइड आयन के बीच में बंद का निर्माण हुआ है अगला हम देखेंगे सोडियम ऑक्साइड तो जब हम सोडियम ऑक्साइड की बात करते हैं तो ऑक्सीजन प्रायः देखा जाता है कि ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में छः इलेक्ट्रॉन होते हैं वह हमेशा प्रयास करता है दो इलेक्ट्रॉन लेकर अपना अष्टक पूरा कर ले और सोडियम के बाह्यतम कोश में हम देखते हैं एक इलेक्ट्रॉन है क्योंकि उसका परमाणु क्रमांक ग्यारह है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दो आठ एक है तो जब हम सोडियम ऑक्साइड लिखेंगे कैसे इसको व्यक्त करेंगे तो इसे भी हम लुइस स्ट्रक्चर के द्वारा लुइस प्रतीक के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं वास्तव में सोडियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा इसे समझने के लिए ही हम लूइस प्रतीक को बनाकर देखते हैं तो सोडियम के बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन है इसको हमने क्रॉस से दर्शा दिया और ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में एक दो तीन चार पाँच छः इलेक्ट्रॉन है क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक आठ है अब इस ऑक्सीजन को दो इलेक्ट्रॉन चाहिए अब दो इलेक्ट्रॉन देने के लिए दो सोडियम की आवश्यकता होगी क्योंकि एक सोडियम एक ही इलेक्ट्रॉन देगा तो ऑक्सीजन का अष्टक जो है वो दो इलेक्ट्रॉन से पूरा होता है तो यहाँ पर हम दो सोडियम बना देंगे और इन दोनों सोडियम के बाहितम कोष में जो इलेक्ट्रॉन है इन इलेक्ट्रॉनों को ये ऑक्सीजन को देता है जब ये इलेक्ट्रॉनों को ऑक्सीजन को देगा तो इस ऑक्सीजन पर दो ऋणावेश आता है और प्रत्येक सोडियम पर एक एक धनावेश आता है तो इस तरह से हम देखते हैं कि दो सोडियम और एक ऑक्साइड आयन के मध्य एक आकर्षण बल कार्य करेगा और इस तरह से सोडियम ऑक्साइड का जो सूत्र है वो एन ए होता है क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं दो सोडियम और एक ऑक्सीजन यदि हम इसके सूत्र को लिखते हैं तो एन के रूप में ही लिखा जाता है यानी सोडियम ऑक्साइड का बनना यहाँ पर हमने समझा और सोडियम ऑक्साइड भी एक आयनिक यौगिक होता है क्योंकि यहाँ पर भी दो अलग अलग सोडियम आयन बना और एक ऑक्साइड आयन बना इनके मध्य एक विद्युत सयोजी आकर्षण बल कार्य करेगा और इस वजह से ही आयनिक बंध का निर्माण होता है सोडियम ऑक्साइड भी एक आयनिक यौगिक होता है हमने बहुत सारे आयनिक यौगिकों को पढ़ा और ये समझा कि किस तरह से उनमें बंध का निर्माण होता है इसे और अच्छी तरह समझने के लिए यहाँ एक और नए पद को हमें समझना होगा जिसे कहते हैं संयोजकता या वैलेंसी तो बंद बनाते समय प्रत्येक परमाणु अपना अष्टक पूरा करता है और इस वजह से वो इलेक्ट्रॉन त्याग देता है या ग्रहण करता है या फिर वो साझा भी कर सकता है तो यहीं से प्रारंभ होता है इस पद का क्योंकि जब हम संयोजकता की बात करते हैं तो प्रत्येक परमाणु के बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन है उन्हें हम संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं जैसा हमने बहुत सारे उदाहरणों में देखा कि सोडियम जो है वो बाह्यतम कोष में एक इलेक्ट्रॉन रखा है और इसमें से एक इलेक्ट्रॉन जब ये त्याग देता है तो यहाँ पर इसकी संयोजकता को हम एक कह सकते हैं यानी कि एक संयोजकता इसके बाह्यतम कोष में एक इलेक्ट्रॉन है यह एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है और इसकी संयोजकता एक हो गई यदि हम पोटेशियम की बात करें तो उसमें परमाणु क्रमांक उन्नीस है तो दो आठ आठ एक है तो बाह्यतम कोष में यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन है इसकी संयोजकता भी एक होगी क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन अपने त्याग देता है कैल्शियम की बात करते हैं तो कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 है इसके बाह्यतम कोष में दो इलेक्ट्रॉन हैं तो जब ये दो इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो यहाँ पर कैल्शियम पर दो प्लस आवेश आता है तो कैल्शियम की जो संयोजकता है वो दो होती है जब हम क्लोरीन की बात करते हैं तो क्लोरीन के बाह्यतम कोष यानी संयोजी कोष में सात इलेक्ट्रॉन हैं जब वह एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तब अपना अष्टक पूरा कर लेता है तो सी पर संयोजकता एक होगी इसी तरह से यदि हम ऑक्सीजन की बात करें ऑक्सीजन के संयोजी कोश में छः इलेक्ट्रॉन हैं और जब ये दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो ऑक्सीजन पर दो माइनस चार्ज आता है तो वो टू माइनस लिखते हैं लेकिन इसकी संयोजकता की जब हम बात करेंगे तो ऑक्सीजन दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया तो इसकी संयोजकता जो है वो दो होती है संयोजकता हमें यह बताती है कि कोई भी परमाणु अक्रिय गैस के विन्यास को प्राप्त करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है कितने इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया है या फिर कितने इलेक्ट्रॉनों का साझा भी करता है क्योंकि हर परमाणु की स्थिति में यह आवश्यक नहीं है कि वह इलेक्ट्रॉन को त्याग दे या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे इलेक्ट्रॉन त्याग देना और ग्रहण करना पूरी तरह से निर्भर करता है कि किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं यदि उसके बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम है तो उसका प्रयास ये रहता है कि उन्हें इलेक्ट्रॉनों को वो त्याग दे और अष्टक पूरा कर ले दूसरी ओर किसी तत्व में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज़्यादा है अष्टक के काफ़ी करीब है जैसे छः या सात है तो उसका प्रयास होगा कि वह दो इलेक्ट्रॉनों को या एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके अपने अष्टक को पूरा कर ले। लेकिन जब हम बात करते हैं कुछ ऐसे भी परमाणु हैं जिनके बाह्यतम कोष में बहुत कम भी नहीं और बहुत ज़्यादा भी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो यहाँ पर वो कैसे अपने इलेक्ट्रॉन्स को आ, कैसे वो अपने अष्टक को पूरा करेगा तो जब हम धातु अधातु शब्द की बात करते हैं तो प्रायः देखने को मिलता है कि जितने भी धातु हैं उनके बाह्यतम कोष में जो संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं तो जब हम उनके भौतिक गुण या रासायनिक गुण की बात करते हैं तो प्रत्येक जो धातु है वो अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग देते हैं और धनावेश में परिवर्तित हो जाते हैं धनायन में परिवर्तित हो जाते हैं जितने भी अधातु तत्व होते हैं अधातु तत्व यानी जैसे क्लोरीन है या फिर हम ऑक्सीजन की बात करें ये सब अधातु है तो इनमें प्रयास ये करते हैं कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करें तो अधातु जो है वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और ऋणायन में परिवर्तित होते हैं तो इन गुणों के आधार पर यानी इनके इलेक्ट्रॉन त्याग देने और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के गुण के आधार पर भी हम इसके रासायनिक गुण और भौतिक गुण को समझ सकते हैं यहाँ पर हमने जो आयनिक बंध पढ़ा इससे संबंधित कुछ प्रश्नों को समझते हैं जैसे यहाँ पर एक प्रश्न है कि पोटेशियम और क्लोरीन की परमाणु संख्या क्रमशः उन्नीस और सत्रह है तो यहाँ यदि प्रश्न आता है कि इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखिए तो 19 के लिए के शेल में होगा के कक्षा में होगा दो इलेक्ट्रॉन एल आठ एम आठ और एन में होगा एक इलेक्ट्रॉन वहीं दूसरी ओर सत्रह यदि है निक्लोरिन के लिए परमाणु क्रमांक सत्रह है तो के एल एम तीन कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वितरण करेंगे दो आठ और सात तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है यदि यहाँ पर यह प्रश्न पूछा जाए कि इनके द्वारा अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए कौन सी स्थिति आएगी निश्चित रूप से जो पोटेशियम है उसके बाह्यतम कोष में एक इलेक्ट्रॉन है तो वह एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा के प्लस में परिवर्तित होगा यानी यहाँ पर दो आठ आठ जो कि आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वह प्राप्त कर लेगा दूसरी ओर जो सी है वह एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा सी एल माइनस का दो आठ आठ यानी आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया तो इसको भी हम देख रहे हैं कि याक्री गैस की संरचना को यह प्राप्त कर लिया तो यहाँ पर जो पोटेशियम क्लोराइड बना यानी कि के से एक इलेक्ट्रॉन दे दिया गया सी एल की ओर तो के प्लस बना और सी एल एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है तो सी एल क्ल माइनस क्लोराइड आयन बनता है इसे आप लुईस प्रतीक से कैसे समझेंगे तो निश्चित यहाँ पर हम लुइस संरचना बनाएंगे तो के, के बाहतम कोश में या सयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन को हम एक डॉट से दर्शा दिए सी एल के सयोजी इलेक्ट्रॉन्स यानी सात इलेक्ट्रॉन को हम क्रॉस से दर्शा दिए तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन सी एल की तरफ जाएगा तो सी एल पर एक माइनस और के पर एक प्लस चार्ज आता है तो इसका धन और इसके ऋण के बीच एक विद्युत आकर्षण बल कार्य करता है यानी विपरीत आकर्षण बल कार्य करता है। तो इस वजह से पोटेशियम क्लोराइड आयनिक यौगिक का निर्माण हुआ अगला प्रश्न हम देखते हैं कि लीथियम की परमाणु संख्या तीन है और फ्लोरीन की परमाणु संख्या नौ है इनके बीच बनने वाले बंध को इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना यानी लुईस संरचना से कैसे दर्शा सकते हैं लिथियम का जो परमाणु संख्या है वो तीन है और फ्लोरीन की परमाणु संख्या नौ है तो जब हम इसमें इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के माध्यम से लीथियम फ्लोराइड के बनने को समझते हैं तो पहले इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को बनाएंगे तो लीथियम का परमाणु क्रमांक तीन है दो एक इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और फ्लोरिन का परमाणु क्रमांक नौ है तो दो और सात तो लिथियम से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इसे हम दर्शाने के लिए लिथियम के ऊपर एक क्रॉस लगाएंगे और इधर फ्लोरीन के ऊपर सात संयोजी इलेक्ट्रॉन को डॉट से दर्शा देते हैं तो लीथियम जब एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन को देता है तो लीथियम पर एक प्लस चार्ज और फ्लोरीन पर एक माइनस चार्ज आता है क्योंकि फ्लोरीन इसके एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो F माइनस बनता है और एल आई प्लस बनता है तो एल आई प्लस और F माइनस के मध्य चूँकि एक विपरीत आवेश बना है ये प्लस है और ये माइनस है तो इनके मध्य एक विपरीत आवेशित आवेश आवेश के के कारण, आवेश के कारण, यानी विपरीत बनने इनके मध्य एक प्रबल विद्युत आकर्षण बल कार्य करेगा तो लिथियम फ्लोराइड जो यौगिक बनता है वह भी एक आयनिक यौगिक है एल आई एफ इसका सूत्र होता है अगला प्रश्न हम देखते हैं कि ऑक्सीजन एवं पोटेशियम की संयोजकता कितनी होगी इसे आप समझाएं तो ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक है उसे सबसे पहले हम बनाएंगे तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन के बाहतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या छः है और दूसरी ओर पोटेशियम के बायतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक है तो ऑक्सीजन अपने अष्टक को पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो ऑक्सीजन के बाहतम कोश में छः है छः में दो जोड़ते हैं यानी दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तब वह अष्टक पूरा करेगा और दूसरी ओर जो पोटेशियम है उसके बाहितम कोश में हम देख रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन है तो जब यह अपने एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा तब यह अपने अष्टक को पूरा करता है तो इस तरह से ऑक्सीजन की संयोजकता दो होगी और पोटेशियम की संयोजकता एक होती है यहाँ एक अगला प्रश्न हम देखेंगे कि एक तत्व के एम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या सात है और उसकी संयोजकता एक है तो उससे बनने वाले आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा यहाँ पर एक प्रश्न पूछा गया है कि तत्व के एम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या सात है तो निश्चित रूप से के कोष में दो होगा एल कोश में आठ होगा और एम कोश में सात होगा तो जब यह एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो एम के ऊपर एक माइनस चार्ज आता है तो उससे बनने वाला जो आयन है वो एम माइनस होगा क्योंकि जब वो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तभी वह उस अपना अष्टक पूरा कर पाता है तो सात और एक हो जाएगा आठ इसके बाह्यतम कोश में हम देख रहे हैं कि सात इलेक्ट्रॉन है और कि सोजकता एक है इसका अर्थ है कि यह सात इलेक्ट्रॉन अपने बाह्यतम कोश में रखा है और इसे अष्टक पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है तो निश्चित है यह कि यह दूसरे परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो इस तत्व का जो आयन बनेगा उस आयन का सूत्र होगा X माइनस या जो भी तत्व है उसके ऊपर एक माइनस चार्ज होगा तो यदि वह तत्व X है तो X के ऊपर एक माइनस चार्ज लगता है तो इस तरह से हम देखते हैं कि इस पूरे आयनिक बंध में कैसे आयन बना और आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा और आयन के ऊपर कितने आवेश होंगे यदि कितना धनावेश है कितना है कितना उस आधार पर हम इसे विभाजित कर सकते हैं यदि वह एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो उसके ऊपर एक धनावेश होगा दो इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो दो धनावेश होगा उस आयन पर यदि तीन इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो तीन धनावेश होगा यही स्थिति ऋणावेश के लिए भी रहती है यदि वह एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसके ऊपर एक ऋणावेश होगा दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो उस तत्व का जो आयन बनेगा उस पर दो आवेश होगा यदि वह तीन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उस तत्व के ऊपर तीन इलेक्ट्रॉन जो है तीन के रूप में दर्शाया जाएगा और वह एक तीन आवेश वाला ऋणायन बन जाता है तो इस तरह से आयनिक बंद को हमने समझा और विभिन्न यौगिकों के माध्यम से उसके लुइस प्रतीक के माध्यम से इस बंध को हमने समझा